गुड मॉर्निंग। यस थैंक यू। सबस्टेंस। एक नए दिन की शुरुआत पर हॉस्टल से 116 नंबर रूम के बाहर और मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग जो रहता है 10:30 बजे तक रहता है। अभी 9:50 हुए और कुछ इस तरह के मैंने कार्ड दिया था जिसपे लिखा था ये माइक ब्रेकफास्ट। तो ये कार्ड जो है बहुत को देना है और वो मुझे देंगे खाना। खाना नहीं मतलब कुछ भी ले सकता हूँ मैं वहाँ पे। खाना ऐसे रखा रहता है चारों तरफ, कॉफ़ी होती है और जूस वगैरह सब कुछ मिलता है वहाँ। तो अभी मैं दिखा भी दूँगा आपको। सिर्फ बिना एक्सिस कार्ड का चलती नहीं इनकी। ये कॉमन एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हैं कुछ भी करने के लिए। और यहाँ से हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। बाहर में यहाँ से लॉक है क्योंकि बाहर के लोग अलाउ नहीं है अभी। बाहर में सिर्फ रात में बाहर के लोग अलाउ रहते हैं। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए सामने मुझे एक कार्ड देना होगा उनको और कार्ड देने के बाद वो मुझे ब्रेकफास्ट है। तो इनको दिखाना पड़ता है ताकि जो है ये आपको बोल सके कि आप जाओ कुछ भी खा सकते हैं। मैं लूँगा एप्पल, ये वाला एप्पल है बाहर से उनको लगा है। ब्रेकफास्ट हो गया फिनिश और अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। और बाहर निकलने पर टाइम हुआ कि 10:30 और चेकआउट टाइम है 11 बजे। तो मैं एक पानी की बोतल बाहर से खरीद लेता हूँ। ओप्स, बारिश हो रही है यहाँ पे तो हल्की हल्की। स्वागत है पेरिस की हल्की पुल्की बारिश में। आज भाई घूमने का प्लान तो मुझे लगता है कैंसिल ही समझो, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई ट्रांसपोर्ट इशू है सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे। मेन दिक्कत है एयरपोर्ट कैसे जाऊँगा। एयरपोर्ट जाने के लिए जो ट्रेन आती है जो जिसको RER बोलते हैं, तो वो हर 3 में से 1 वर्क कर रही है जैसा कि मैंने अभी चेक किया था ऑनलाइन। तो मेरी वाली पता नहीं कौन सी वर्क करेगी। रात को 10 बजे फ़्लाइट है, टाइम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वो टाइम मैं गुजारूँगा बस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं जा रहा हूँ लाफयाते रोड है ये, और या ग्रीन हो गई है तो लाफयाते रोड है। इसी रोड पे पड़ती है वो आगे दुकान जहाँ से 20 सेंट का मैं पानी लेकर जाता था और 1 लीटर। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ सीधा। चेहरे पे बूंदा बांदी हल्की सी लगती हुई रेड लाफयाते। मेरे राइट हैंड साइड पे वही ट्रेन स्टेशन गारेदू नॉर्थ का, मतलब गारेदू नॉर्थ का ट्रेन स्टेशन बोलूँ या गारेदू नॉर्थ बोलूँ दोनों बात एक ही है। क्योंकि गारेदू का मतलब होता है स्टेशन और नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ, NORD नॉर्थ को शायद नॉर्थ पढ़ते हैं। तो गारेदू नॉर्थ मतलब हो गया नॉर्थ वाला स्टेशन। अगर इस वाले हॉस्टल में अगर आप आते हैं तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर ले। ब्रेकफास्ट से एक तो आपको हेल्दी खाना मिल जाएगा और दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी खा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा, मतलब फ्री के मारे इसलिए बोलो पे तो आप यहाँ पे भी करोगे, वही 5 यूरो आप बाहर पे करोगे आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे करोगे उतने पैसे तो उतने में आप जूस, कॉफ़ी, फ्रूट्स, बटर, चीज़ कुछ भी ले सकते हो। बारिश तेज़ हो गई है थोड़ी सी, कैमरे में पानी आने लगा है भाई। हवा ने बहाव अपना चेंज कर लिया तो इसलिए कैमरा रखता हूँ पॉकेट में, अब सीधा सुपरमार्केट में ओपन करूँगा।
ये मेरे पीछे सुपरमार्केट जहाँ सस्ता पानी आप ले सकते हो, सिर्फ 20 सेंट्स के अंदर आपको वही बोतल मिलेगी जो और जगह ज़्यादा मिलती है। सुपरमार्केट का नाम है सिटी, और कैमरा गंदा हो गया, सिटी सुपरमार्केट है। और भी चीज़ें सस्ती होंगी, और भी चीज़ें सस्ती होंगी। ला फयाते रोड पर है, और इस तरफ है मेरे शॉप पीस एंड लवास्टा, इस साइड है मेरा गारेदू नॉर्थ स्टेशन, तो वहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर है। तो आते हैं हम लोग पानी खरीदते हैं यहाँ से, ठीक है। सो आई नीड वाटर, या दिस वन, गिव मी वन वाटर बॉटल। थैंक यू। तो ये पानी की बोतल है मैंने यहाँ से ले ली है, हाँ थैंक यू। सो वैसे मैं सोच रहा था पानी की बोतल इनका जो, वैसे छोटी वाली बोतल भी महंगी मिलती है, ये वाली है थोड़ी बड़ी और फिर भी 20 सेंट्स की है। तो अगर आप पानी ले रहे हैं तो यहाँ से ख़रीदें, सस्ता पड़ेगा आपको। और मैं तो ऐसा करता था यहाँ पे आके दो दो तीन तीन पानी की बोतल ले जाता था जब मैं पहले पेरिस में आया था, मतलब आज तो मेरा लास्ट डे ना, रिटर्न फ्लाइट है इसलिए मुझे आना पड़ा। और इससे पहले मैं पेरिस में आया तो मैंने पानी यहीं से ख़रीदा, और मजबूरी में कहीं और से ख़रीदा तो वो थोड़ा महंगा पड़ गया, लेकिन ये वाला सस्ता पड़ गया। अभी 15 मिनट हैं 11 बजने में, और मुझे 11 बजे चेकआउट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी वापस अपने हॉस्टल की राह पर निकलते हैं। जो बारिश की छोटी वाली बूंदें होती है ना, जो चेहरे पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गिरती हैं, सिर्फ वैसा ही फील हो रहा है। और रोड ऐसे गीले पड़े हैं इस साइड, तो मतलब बारिश तो हो रही है काफ़ी देर। आज के दिन का काम तो चल गया, बाकी एयरपोर्ट पे जाऊँगा, 10 बजे है मेरी फ़्लाइट, तो कुछ खाना पीना भी नहीं करना है मुझे, ब्रेकफास्ट भी हो गया अपना थोड़ा सा हैवी, और आफ्टरनून में एक खाना खा लूँगा आसपास किसी 5 यूरो में मिल जाएगा यहाँ पर रेस्टोरेंट में। और जो मैंने आपको दिखाए थे वन प्लेट शाह रेस्टोरेंट, लाहौर रेस्टोरेंट और वो बॉम्बे पैलेस, 3-4 एक साथ हैं, तो उस एरिया में 5 यूरो के अंदर आप एक प्लेट खाना खा सकते हो, तो दोपहर का भी हो जाएगा। रही बात रात की, रात में मेरी जो फ्लाइट होगी, फ्लाइट में मील इंक्लूड है, तो रात का भी हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत रहेगी नहीं। मतलब कहने का ये मतलब है कि मुझे अभी इसके अलावा और कुछ खर्च नहीं करना है, पैसों का पूरा हिसाब इंडिया में जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड होऊंगा तो समझाऊंगा आपको। फ्लाइट वही रहेगी, सस्ती फ्लाइट एयर इंडिया की, और सेंट क्रिस स्टीफर हॉस्टल जो है वो राइट हैंड साइड पर पड़ता है, लेकिन वो अभी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 600-700 मीटर की दूरी पर था ना सुपरमार्केट से, इसलिए देखो निकल लो। ओ बारिश अब तो तेज़ पड़ गई, कैप लगाना ही पड़ेगा। न्यूयॉर्क के टाइम पर सेम हॉस्टल मैंने लिया था 143 यूरो में 3 दिन के लिए, मतलब 3 रातों के लिए, और कल एक रात के लिए भाई साहब मिल गया 23.5 यूरो में। तो न्यूयॉर्क पे तो आपको पता है हर जगह हर चीज़ महंगी होती है, स्पेशली होटल्स के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर न्यूयॉर्क में प्लान कर रहे हैं, या तो बहुत बहुत पहले से बुक कर लें तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर बहुत पहले से बुक नहीं करेंगे तो मेरी तरह आपको भी महंगा पे करना पड़ेगा। तो पहले 143, उसके बाद आज पे किया मैंने 23, तो इस तरह से मैंने कुछ पे किया। 5-5:30 एक सही टाइम रहेगा यहाँ से निकलने के लिए, अगर रात को 10 बजे फ्लाइट है तो अगर बीच में कुछ अड़चन आई या फिर आ रही यार, जैसे 3 में से 1 चल रही या 2 में से 1, तो उस केस में इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। और फिर एयरपोर्ट पर तो अगर आप 3-4 घंटे पहले भी पहुँच जाओगे तो आराम से सुकून से बैठ सकते हो, लेकिन बाद में भागा दौड़ी जो होती है वो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली यही मोड है शायद। ये आ गया अपना हॉस्टल, अभी मुझे यहाँ से टिकट बाय करनी है, और नीचे जो पुलिस वाले भाई साहब थे वो कह रहे मुझे भी दिखाओ कैमरा कैसा है, ऐसी मजाक में उन्होंने कहा कि कैमरा दिखाओ मुझे, मैंने कहा देख लो भाई, मैंने कहा आप आना चाहते हो कैमरे में, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ट्रेन बस ट्रैम में
मेट्रो। आर ई आर या तो ये मशीन यहाँ से मैं लूँगा। लैंग्वेज इंग्लिश इज इट चीपर ना कंपेयर टू आई एम सेइंग थ्री डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टे